हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक को लेकर जो इससे बराबर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। एक या दो प्रश्न रहता ही है, चाहे वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो, चाहे वायरस से होने वाला रोग हो, या प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हो, ये अवश्य एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इससे होने वाले रोग निश्चित रूप से हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है, कौन प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र के माध्यम से या इसको हम लोग कह सकते हैं कोड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोड हमने क्या दिया है कि पंडित का टी न्यू है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का मतलब हुआ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका कोड क्या हो गया, पंडित का टी न्यू है बैक्टीरिया, यानी कि पौ अनुस्वार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेग हो गया। ठीक है, प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेग को कौन सा रोग कहा जाता है, तो काली मौत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा डी है, डी से क्या होता है, डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो से क्या हो गया, तपेदिक, और इसके रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी, बैसिलस, कालमेट, ड्यूरिन, यानी कि कालमेट ड्यूरिन ने इसको डेवलप किया था, जिसके वजह से इसका नाम बीसीजी पड़ा है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो क्या फुल फॉर्म होता है, बैसिलस कालमेट ड्यूरिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, का से क्या होता है, कालाजार होता है, और कालाजार को परच्यूसिस काली खांसी है, और काली खांसी को परच्यूसिस भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टी से दो रोग होता है, एक होता है टिटनस, दूसरा होता है टाइफाइड, यानी टिटनस को लॉक जॉ भी कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि ये जबड़ा जो हमारा है ये बिल्कुल सड़ जाता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइफाइड क्या होता है, और ये आंख को प्रभावित करने वाला रोग होता है, और इसके जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जांच के लिए क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विडॉल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, तो टाइफाइड से है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा का से क्या होता है, कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है कि किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कुष्ठ रोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा न्यू से क्या होता है, निमोनिया, ये भी श्वास नली को प्रभावित करता है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ये श्वास नली को प्रभावित करता है। हय से क्या हो गया, हैजा। ठीक है, ये हैजा क्या हुआ, एक बीमारी है जो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, अब ये देखिएगा कितनी आसानी से, एक दो तीन चार, ये पांच, इसमें हो गया छह, और ये सात, ये आठ, और ये नौ, यानी कि देखिए नौ रोग आसानी से याद हम लोग को हो गया कि पंडित का टी न्यू है बैक्टीरिया, इसको आप कोड के तहत याद रख लीजिएगा। तो से देख लीजिए फिर से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस से टाइफाइड, और क से हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। ठीक है, इसके अलावे दो रोग आप थोड़ा अपने से याद रख लीजिएगा, ये है आपका गोनोरिया और सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, यानी गोनोरिया और सिफिलिस ये दो अन्य रोग है जो बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग देखें क्या बैक्टीरिया से होने वाले जो नौ रोग है, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह रोग आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।